यही है वो आदमी। कैसे हो? चंगा हूँ जी। काम समझ गया ना? हाँ जी समझ। अच्छे पैसे मिलेंगे। अरे पैसों का क्या करूँ जब जान ही नहीं बचेगी। हाँ तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। वो काम करने के लिए मना कर। हे, ये लोग इसे मार क्यों रहे? पाकिस्तान बॉर्डर से लॉरी में टेररिस्ट छुपा कर लाने के लिए इसे फोर्स कर रहे हैं ये सब। वो मान नहीं रहा है इसलिए सब मिलकर उसे मार रहे हैं। इंडिया में घुसेगा तू। जी सलाम पाजी, आप वक्त पे आ गए, अब आगे का आप संभालो जी। ठीक है ब्रदर। थैंक यू। ओए वीर, आज तूने मेरी जान बचा ली। मैं बता नहीं सकता कि आज तूने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। ओ जी शुक्रिया। क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं? प्राजी हम दोनों जर्नलिस्ट हैं, कारगिल में हो रही जंग को हम लाइव कवर करने जा रहे हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ जी, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आज मेरी बहन की सगाई है, अगर आप उसमें शामिल हो जाए तो आप दोनों को कारगिल पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। ओके। ये है सड़ा परिवार। नमस्ते। नमस्ते पुत्र, आ गया तू, कित्थे सी? पहरी पौड़ा जी। जिंदा रे बेटा। माँ, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ए की होया, ए चोट कितना लगी? पुत्र आप बहुत बड़े इंसान हैं,
आपने मेरे पुत्र की नहीं सारे परिवार की जान बचाई है। ऐसा करना तो मेरा फर्ज था, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच दादाजी। हाँ वही तो। ओ कैसा लग रहा हूँ? ओ बहुत अच्छा जी, वाह ये मेरा दोस्त है, मुझे लस्सी पियो। थैंक यू। अरे मैडम ने भांग पी ली है। अब क्या बात है? कुछ नहीं, तुम्हारी दोस्त ने भांग लस्सी समझकर पी ली। भांग? This is a very sensitive area and highly risky ground. Better be careful and be safe. Sure, okay? Sir. इनका नाम सुबेदार गणेशन है। इन्हें सारी भाषाएं आती हैं। ये आपकी मदद करेंगे। गणेशन, ये दोनों टीवी पत्रकार हैं। आप अच्छी तरह से इनके रहने की व्यवस्था कर दो। उसके बाद हम प्रोटोकॉल की बातचीत करेंगे। That's very important. Yes, sir. आप लोग इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ तक क्यों आए? हम कहाँ रिस्क ले रहे हैं, रिस्क तो हमारे सोल्जर्स ले रहे हैं जो अपने बारे में नहीं देश के बारे में सोच रहे हैं। हम उन सबकी कहानी टीवी के जरिए लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं सर, तभी जाकर हमारे देश के लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। लोगों को आर्मी वालों के बारे में बहुत गलत फहमी है, उन्हें लगता है आर्मी वाले ऐश करते हैं, उनके कैंटीन में सब कुछ आधी कीमत पर मिलता है। हम उन्हें दिखाएंगे कि हर एक सिपाही किस तरह अपने देश के लिए जान की बाजी लगाकर कुर्बानियां देता है पर एक उफ तक नहीं करता। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। चढ़ जाऊंगी। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं चढ़ जाऊंगी, तुम जाओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हेलो हेलो, हाथ दो। ओए जलाओ यार। ओए सिंह फूंक मार। ओए पाजी, तुम जियोगे हजारों साल गुरु। हम अभी जहां जा रहे हैं ना, वहां कुछ भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग जियोगे हजारों साल क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब हम लड़ने जाते हैं ना, तो इस विश्वास के साथ जाते हैं कि हम जीत कर वापस आएंगे और सालों साल अपने जन्मदिन को मनाएंगे। लाइफ इज अ होप, अगर होप ना हो ना तो फिर जिंदगी मौत बन जाती है। बाय द वे, मैं मधुर हूं, दिल्ली में सेटल्ड हूं।
और वो मेरा दोस्त है, वो तमिलनाडु से। हाय, इज द बेस्ट। कैसे सर? सर, आपने हाथ पर रुद्राक्ष क्यों बांधा है? आपको शायद अजीब लगे पर पहले इसे मेरे पापा पहनते थे, अब मैं पहनता हूँ और आगे मेरा बेटा पहनेगा। चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाली कारगिल की जंग देख रहे हैं, जहां दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। और आज इस जंग का 83rd डे है। यहां आप इस तरफ टाइगर हिल्स देख रहे हैं, जहां पीक पॉइंट 506 है। आप हमारे सिपाहियों की कुर्बानियों को तभी समझ पाएंगे जब आप यहाँ का मंजर देखेंगे। यहाँ का मौसम भी इनका दुश्मन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ का तापमान -23 डिग्री से नीचे चला गया है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी हमारे सिपाही लगातार लड़ रहे हैं।